अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा ज़की। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान डॉट टीवी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। वकला की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गुंडागर्दी। ऑपरेशन थिएटर में घुसकर तोड़फोड़, 6 अफराद जां बहक। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल, मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। गुंडागर्द वकला ने वजीर इत्तला पंजाब को भी ना बख्शा। डॉक्टर्स और वकला में सुलह के लिए आने वाले फैयाजुल हसन चौहान पे भी वकला का तशद्दुद। सूबाई वजीर ने भागकर जान बचाई। मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, जब जान बचाने के लिए भागा तो पीछे से फायरिंग कर दी गई। सूबाई वजीर इत्तला पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का बयान। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में अस्पताल पर होने वाले हमले का नोटिस ले लिया। वाकये में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करके इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिबी बुनियादों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का साबिक सदर को 1-1 करोड़ रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और खानदान के 9 अफराद के असासे मंजमद करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट बहाल हो गई। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले दिन के अख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बना लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।